हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सीटेट 11 जनवरी 2023 का पेपर आपका हो गया है। पेपर वन में क्या क्या पूछा गया थोड़ा बहुत पता चला है। 150 क्वेश्चन में आप समझ लो 10-15 क्वेश्चन आपको इधर उधर से पता चल जाएंगे, वो भी मुझे भी पता चले। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग पेपर देने गए थे, उन्होंने मैसेज भी किया है या इधर उधर से मैंने चीजें देखी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, ठीक है? ज्यादा परेशान नहीं होना है, जब तक आप डरते रहोगे आपको एनालिसिस बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, सीटेट में सीडीपी की अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता है सीडीपी में वाइगोस्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। आज मैंने एक प्रॉपर वीडियो आपको अपने चैनल पे बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको पूरा देखिए। अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, उससे बाहर कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा। और वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे, ये सब आपको अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी की पैडागॉजी में पूछे जा सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। सभी यही बताते हैं ये आ रहा है। देखो, सीडीपी के बारे में एक सिंपल सी बात है, 2011 से लेके 2022 तक जितने भी पेपर हैं उसको अगर आपने अच्छे से कर रखा है, तो सीडीपी में 30 में 30 नंबर आप लेकर आओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है? तो इसको ध्यान देखो। अब ईवीएस में क्या करेगा वो, ईवीएस में वो थोड़ा सा जानबूझ के यूपी टेट को टच कर रहा है, क्योंकि उसके पास वही एक थोड़ी सी चीज है जो आपको वहां पे वो फंसा सकता है। पहली बात तो कक्षा 3 से लेके कक्षा 4-5 तक आपको एनसीईआरटी बिल्कुल जवान पे रटी होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ यूपी टेट के पॉइंट मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन, जैसे चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यातायात से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया ऐसा बताया गया, बीज के अंकुरण से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑनलाइन में खूब क्वेश्चन पूछा गया, हर तीसरी चौथी शिफ्ट में बीज के अंकुरण से किस प्रकार उसका अंकुरण होता है, क्या क्रम होता है, कौन सा पहले अंकुरण, ये सब कुछ पूछा गया है, वो आपको पता है। वायुमंडल से रिलेटेड, क्षोभ मंडल, समता मंडल, आयन मंडल, ये सब क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। कई बार हम लोग कर भी चुके हैं, नहीं किए हैं तो आज रात को इनका भी पोस्टमार्टम करेंगे। पर्यावरण शिक्षण से रिलेटेड, अब पर्यावरण आप ईवीएस का पेपर देने जा रहे हो तो पर्यावरण शिक्षण से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ईवीएस में जेंडर वाले क्वेश्चन ऑनलाइन में खूब पूछे गए, जेंडर का पता कैसे पकड़ते हैं उनमें, आपस में कार्यों का बंटवारा देख करके कि क्या लड़कियां केवल घर का ही काम कर रही है, लड़के बाहर का ही काम कर रहे हैं, ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, देखो कितनी नई बात आपको पता चली होगी कि ईवीएस में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बात अपने माइंड में देख लो। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या नहीं आपको पता है कि समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीडीपी में इससे आते हैं, इसको देखो। पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो पृथ्वी से रिलेटेड क्या पूछ लेगा आपका, इसकी कौन सी भूपट्टी है, इसमें कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है, इसमें इसकी कौन सी परत है, ये सब पूछेगा, खूब आप कर चुके हो। एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको एनसीईआरटी पूरी रट लेनी है। जीन पियाजे, वाइगोस्की, यही सबको पता रहता है, सबको बता रहा है। एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भैया 2011 से छोड़ दो, जितना ऑनलाइन वाला है, जितना ऑनलाइन वाला पीवाईक्यू है, आप बिल्कुल रट लो। क्वेश्चन आया टिक, क्वेश्चन आया टिक, बस हो गया आपका सीटेट। सीटेट आप बहुत अच्छे से निकालोगे। साथ में मैं आपका जब तक पेपर चल रहा है बीच बीच में वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहा हूं। ईवीएस में ही आप सभी को केवल दिक्कत आ सकती है, तो ईवीएस की रात 9 बजे एक बेहतरीन क्लास हम लोग करते हैं, जो जो पॉइंट आपके पूछे जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उनको हम कर लेते हैं। साथ में सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बोल देते हो, मुझे ईवीएस वाली क्लास में बता दिया करो कि सर जी ये वाला टॉपिक अभी सीडीपी में मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका अगर अगला दिन आपका पेपर है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे आज मैंने आपके लिए वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग पूरी तरीके से पूरी थ्योरी और जितना भी क्वेश्चन आज तक ऑनलाइन में पूछा गया सब कुछ उसमें मैंने करा रखा है। आप जाकर के उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, पूरा जरूर देखिएगा। और एक बार फिर से बोलूंगा, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, कोई आपको पूरा पेपर नहीं बता पाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब आप पेपर देके आओगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको एनालिसिस देखना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था। एनालिसिस देखना इसलिए अच्छा होता है कि हाँ आपने पता चल गया कि चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है आपने चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन ना पढ़े हो, तो आप अच्छे से उनको पढ़ लो, बस इसलिए फायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी भी चीज पे आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। रात में 9 बजे आपको जरूर आना है लाइव टेस्ट में, उसमें हम लोग खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।